बड़वानी जिले में 6 माह बाद आज बसों का संचालन शुरू किया गया। बस ऑपरेटरों ने बताया कि यातायात पूरी तरह ठप है, लोग निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के लगने के बाद आज से बस ऑपरेटरों ने बसों का संचालन शुरू किया। हालांकि ट्रैफिक सड़क पर नजर नहीं आया। बस एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष महेश बर्मन के अनुसार फिलहाल 2% ही बसें संचालित की जा रही है क्योंकि ट्रैफिक नहीं है, लोग घरों से निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं। खरगोन से बड़वानी आने वाली बस मात्र 500 रुपये का कलेक्शन लेकर आई है, जिसमें बस संचालित करना समस्या का विषय है, लेकिन फिर भी बस संचालित की जा रही है और इस बात पर भी फोकस रहेगा कि जिस यात्री बस में मास्क नहीं है उसे मास्क दिया जाए और सैनिटाइजर भी किया जाए। बड़वानी से अतुल कुमाऊत की रिपोर्ट। बसों का संचालन शुरू हुआ है, क्या स्थिति है? सरात पक्ष समापन की ओर से जाने के बाद हमने आज से ही गाड़ियाँ कुछ परसेंट चालू की है, लेकिन अभी गाड़ी खरगोन से आई है तो मुश्किल से 500 रुपये इकट्ठे नहीं हो गए। इसी स्थिति में गाड़ी संचालन करना हमारे लिए काफ़ी कठिनाई है और हमारी तरफ से जो भी सुविधा सैनिटाइजर की सुविधा है, जिस पैसेंजर के पास यदि मास्क नहीं है तो उसको मास्क भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। यातायात की क्या? यातायात बिल्कुल अभी ठप पड़ा है, कोई यात्री निकलना नहीं चाहता है और बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है। फिलहाल ऐसी स्थिति में अभी 2% गाड़ियां मात्र निकली है, अभी 98% गाड़ियां फिर भी बाकी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।